हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौधरी, आपका मैथ फैकल्टी। तो दोस्तों, हमारी जो परसेंटेज की क्लासेस चल रही थी, आज तीसरी क्लास का है। अब तीसरी क्लास में जो अभी तुम देख रहे होगे क्वेश्चन लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए मैंने पिछली क्लास में वहीं पे रोक दिया था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसका कंसेप्ट जानेंगे, और उससे पहले हम ये जानेंगे कि अगर हमें ये सवाल हल करना है तो हमारी सवाल को पढ़ने के बाद सवाल के सॉल्यूशन की डायरेक्शन किस तरफ चलेगी, ये हमें किस पॉइंट से पता लगता है, ठीक है। आइए, वो कह रहा है इन एग्जामिनेशन 42% स्टूडेंट इन मैथ एंड 52% स्टूडेंट एंड 52% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड 17% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट एंड 46 स्टूडेंट पास इन द बोथ सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल। दोस्तों, मैंने एक बात बताया था कि आप सबसे पहले संख्याओं में जो वैल्यू दी जाए आप उसको पिकअप करो। अगर मैं संख्याओं में देखना चाहूं तो यहां क्या दिया गया है, 46, यानी कि 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास है। तो हमें परसेंट में चेक करना पड़ेगा कि यार कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास है। समझ पा रहे हो इस बात को बहुत अच्छे से। आइए सबसे पहले वहीं की बात। अब दोस्तों ध्यान से समझना इस चीज का कंसेप्ट क्या है। आपने देखा होगा जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं रीजनिंग के अंदर, ठीक है, तो सभी ने वेन डायग्राम पढ़ा होगा। जब भी कभी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो यहां पर जहां पर वो चीजें होती हैं जो केवल इस ग्रुप को शो करती हैं, यहां पर वो चीजें होती हैं जो केवल इस ग्रुप को शो करती हैं, और यहां पर वो चीजें होती हैं जो दोनों ग्रुप को शो करती हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो देखो अगर मैं बात करूं कि मैथ में 42% विद्यार्थी फेल हैं, और मैं बात करूं इंग्लिश उसमें 52% फेल हैं, और मैं बात करूं दोनों में तो वो कितने फेल हैं, 17%। तो दोस्तों ये 17% क्या है, हमारे दोनों में फेल है। अब एक बात समझना थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि यार क्लास में टोटल 3 विद्यार्थी हैं, दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझना भाई, बहुत सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे से, जल्दबाजी के चक्कर मत पड़ना। जल्दबाजी में गया कंसेप्ट खराब हो जाएगा, इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिस्टम से देखो, क्लास में टोटल 3 विद्यार्थी हैं और उन्होंने 2 एग्जाम दिए, एक इंग्लिश और दूसरा मैथ। अगर मैं बोलूं कि 2 विद्यार्थी इंग्लिश में फेल और 2 मैथ में फेल, तो क्या ये पॉसिबल है, जबकि स्टूडेंट कितने हैं, 3 हैं। तो 3 स्टूडेंट है, अगर मैं 2 और 2 को जोड़ूं तो दोस्तों कितना हो गया, 4। क्या कभी तुमने देखा है कि 3 पेपर देने जाएं और रिजल्ट में 4 फेल हो जाएं, है? क्या पॉसिबल है ऐसा, बोलो। तो देखो, जिनको ये लगता है कि पॉसिबल है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जिनको लगता है कि पॉसिबल नहीं है उनको अभी तपस्या जारी है। तो कोई पीपल वीपल का पेड़ देखो, उसके नीचे तपस्या करो, जहां से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। देखो एक बात समझना, इस इंग्लिश में जो 2 बच्चे फेल हुए हैं, जब हम 2 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं तो हमारी पास या फेल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है, तुम नोटिस कराओगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, यानी कि इंग्लिश में, कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल मैथ में फेल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी तो होते हैं मेरे भाई जो दोनों में फेल हो जाते हैं। 10th तक तो सबके पास 6 सब्जेक्ट रहते हैं, तुमने देखा होगा 10th वगैरह जो फेल हो जाते हैं तो जो पूछने वाले हैं ना, वो होता है ना कि वो घाव दे रहे हैं, तो उनका घाव यही सीमित नहीं होता, वो पूछ लेते क्या हुआ, बस बता दिया फेल हो गया। उनका जो घाव देने का वो है ना, वो वहीं खत्म नहीं हो जाता, साथ में निकम्मे ये भी पूछते हैं कितने सब्जेक्ट में फेल हुआ है, बताओ। जब बता ही दिया फेल हो गया तो ये इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है कि होता है ना इमोशनली टॉर्चर, हाँ, तो वहां ये बताना पड़ता है एक सब्जेक्ट में। कुछ तुमने देखे होंगे कुछ इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, कुछ मैथ में फेल हो जाते हैं, है ना, कुछ क्या होता है साइंस में फेल हो जाते हैं, कुछ SST में फेल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिनके सबके सभी डूब जाते हैं, है ना, हाँ। तो देखो इसमें अगर मैं वेन डायग्राम बनाना चाहूं तो, और अगर मैं इनको इस तरीके सेट कर दूं,
तो इस एक लड़के को आप क्या बोलोगे, किसमें फेल है, इंग्लिश में फेल है। इस एक लड़के को क्या बोलोगे, मैथ में फेल है। और इसलिए एक लड़के को क्या बोलोगे, दोनों में फेल है। मान लो टीचर आ गया इंग्लिश का, खड़ूस सा था, है ना, बढ़िया सी मैडम नहीं थी, सुंदर थी, खड़ूस सा था। उसने कहा जो जो इंग्लिश में फेल हो खड़े हो जाओ, तो ये खड़ा होगा साथ में, ये भी होगा या नहीं होगा। तो इंग्लिश में कितने शब्द की काउंटिंग करेगा, वो दो की काउंटिंग करेगा। मान लो मैथ में आ गया कोई मेरे जैसा ऐसा ही बेवकूफ सा, नहीं, और पूछ ले रहे जो मैथ में फेल हो गए वो खड़े हो जाओ, तो ये खड़ा होगा, ये फिर से परेशान होगा या नहीं होगा, कहेगा ये बार बार आके परेशान कर लेते हैं ना। तो मैथ वाले भी कितनी काउंटिंग करेगा, दो। अगर ये बाहर आपस में बात करने लग जाए टीचर के, तुम्हारे कितने फेल भाई, दो, कि तुम्हारे कितने फेल, के मेरे भी दो, तो कितने हो गए, चार। तो इसका मतलब पेपर तो तीन ने दिया था, पर टोटल से ये कितना ज्यादा आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है। तो वो एक कौन है, जो कौन है वो एक, जो दोनों सब्जेक्ट को टच करता है, ठीक है। आइए, तो उम्मीद है यहां तक अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज को यहां से समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, आ जाओ। ये जो 42% को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ समझने के लिए, मैं कहता हूं 42 लड़के मैथ में फेल है, तो इस मैथ में जो फेल है इसमें मेरे भाई दो प्रकार के लड़के होंगे, एक केवल मैथ वाले और एक दोनों वाले। दोनों वाले मुझे पता है, तो क्या मैं केवल वाले नहीं पता कर सकता, कोई रुक जाएगा केवल पता करने के लिए। 42 में से 17 ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, तो केवल मैथ के लिए कितने बच गए, 12 में 7 गए, 5, 3 में से 1 गया, 2। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैथ में कितने फेल हैं, 25%। मैथ में नहीं कह सकता, कान पे मारेगा टीचर खींच के, किसमें, केवल मैथ। आ जाते हैं ये जो इंग्लिश में 52 फेल है, इनमें कौन है, वो बिगड़ैल भी तो है जो यहां भी फेल थे, नहीं, हाँ, निकम्मे। तो इसका मतलब केवल इंग्लिश के अगर पता करने हैं तो 52 में से 17 घटा देता हूं तो 12 में से 7 गए, तो मेरे भाई कितने बचे, 5, और 4 में से 1 गया तो कितने बचे। अब ये 35% किसमें फेल है, सही से कमेंट करके बताओ फटाफट से, जल्दी बोलो किसमें फेल है, केवल इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में। आइए, अब अगर मैं सभी को देखना चाहूं कि टोटल क्लास में यार मेरा कितना बच्चा फेल हो गया, टोटल अगर मैं फेल देखना चाहूं, टोटल फेल 35 ये, 17 ये, सॉरी 25 ये, 17 ये, 35 ये, सबको जोड़ोगे 35 और 25 कितने होते हैं, 60, 70 और 7, 77। यानी कि मैं कह सकता हूं कि चाहे कैसे भी फेल हुआ पर क्लास का 77% बच्चा फेल हो गया। तो बताओ टोटल पास कितने हुए होंगे, मैंने बताया था परसेंटेज पढ़ते टाइम पे हर चीज क्या होती है, 100%, है ना, 100% कैसे। मान लो अगर मेरे पास 60 है तो तुम्हारे पास कितना होगा, 40। मेरे पास 70 है तो तुम्हारे पास कितना होगा, 30। कोई भी दो चीज मिलाकर हमेशा क्या होती है, 100। तो अगर 77% यहां फेल हो गए तो इसका मतलब जो पास हुए हैं वो 100 - 77%, यानी कि मेरे भाई कितना आएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि हमें इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर दोस्तों ढूंढना क्या है, टोटल पास। क्यों ढूंढने थे टोटल पास, क्योंकि स्टूडेंट जो बता रखे थे वो संख्याओं में क्या बता रखे थे, पास बता रखे थे। अब अगर मैं यहां से देखना चाहूं कि परसेंट में मेरे कितने फेल हैं भाई, 23%, और नंबरों में मेरे कितने फेल हैं, 40। तो इसका मतलब 23 बराबर किसके है, 40 के, तो 1 बराबर किसके हो गया, दो छात्रों के, जितने की वैल्यू चाहिए। उसने पूछा है टोटल, तो टोटल कितना होता है, 100, तो यहां टोटल कितना हो गया, 2 × 100, यानी कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने मेरे भाई, 200, ये मेरा आंसर। बोलो क्लियर है, समझ आया सभी को। तो याद रखना दोस्तों, अगर संख्याओं में पास दिए गए हैं तो परसेंटेज से आपको पास निकालने पड़ेंगे, संख्याओं में फेल दिए गए तो परसेंट से आपको फेल निकालने पड़ेंगे। आपका क्राइटेरिया इस सवाल के लिए यही है, कैलकुलेट करोगे हम किसी भी आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। 10 सेकंड से इसको उतारो, फिर ये सारे क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं और इनका हम आंसर अब करेंगे, ठीक है। चलिए, आइएगा,
अब देखते हैं सभी क्वेश्चंस को दोस्तों। देखो इस सवाल के ऊपर इतने क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस सवाल पे हम 7 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा ये सवाल का आंसर करना बहुत आसान है, सिर्फ हमें इनकी परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे पहले सवाल पूछा टोटल स्टूडेंट, हमने यहां टोटल ही निकाला और टोटल कितना होता है 100, और 100% किसके बराबर बनाए 200 के, तो इसका मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हो गए दोस्तों हमारे 200, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, फेल इन ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट, केवल इंग्लिश में फेल होने वाले छात्र पूछे, केवल इंग्लिश। जरा यहां से सोच के देखो यार इंग्लिश का परसेंटेज क्या है, बोलो। तो देखो दोस्तों मैं कहूंगा ये 52% किस में फेल है मेरे, इंग्लिश, और ये 35 किस में फेल है, केवल इंग्लिश, क्योंकि इनमें तो 17 ये भी शामिल है या नहीं है, इनमें तो 17 ये भी शामिल है या नहीं है, तो हमें सिर्फ इस 35% की वैल्यू, यानी केवल इंग्लिश में कितने फेल है 35%। अब देखो यहां से आंसर करना बहुत आसान होता है कि 35% अगर मैं संख्याओं में देखूं तो किसके बराबर है, जब 1% बराबर 2 के है तो दोस्तों 35 बराबर किसके हो जाएगा 70 के, बोलो क्लियर है नहीं है। आ जाते हैं फेल इन ओनली मैथ सब्जेक्ट, केवल मैथ के छात्र जो फेल हुए हैं, देखो ये 42 मैथ के छात्र हैं, केवल मैथ के नहीं, क्योंकि इन 42 में 17 निकम्मे भी बैठे, इनको निकम्मे मान लो, जो दोनों में फेल है, जिन्हें कोई मतलब नहीं है ना दीन दुनिया से, क्या चल रहा है क्लास में, हम तो जो बैठा होगा फेल ही हो गएंगे। तो केवल मैथ में कौन से होंगे दोस्तों, ये वाले किस्मत के बेचारे, किस्मत के मारे, कितने 25, वरना गणित में पास ना हो जाते, किस्मत अच्छी होती। अब एक बात बताओ, जब मैथ में 25% फेल है तो संख्याओं में क्या वैल्यू बनेगी 50, पता है ना क्यों, क्योंकि 1 बराबर 2 के तो 35 बराबर 50 के। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, समझते रहे टिके रहे ना, आ जाओ पास्ट इन ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट। अब यहां समझना जरूरी है, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो कह रहा है केवल इंग्लिश में कितने पास, पास के बारे में जानकारी नहीं है, फिल 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 लिखा पड़ा है चारों तरफ, क्या पास के बारे में जानकारी है, नहीं है, तो कैसे निकाले, सोच के देखो, बोलो। नहीं, सवाल को हटके थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करने की कोशिश करो, अनुभव। अगर मान लो मैं, मुझे ही मान लो, मैं इंग्लिश में फेल हूं, किस में फेल हूं, इंग्लिश में फेल हूं, केवल 2 पेपर दिए मैंने मैथ का और इंग्लिश, और मैं फेल हो गया इंग्लिश में, तो एक बात बताओ इसका मतलब क्या हुआ, कि जब मैं इंग्लिश में फेल हूं तो मैथ में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, अपोजिट मेरा होगा या नहीं होगा, सामने से किसी ने आवाज मारी कह रहे जो इंग्लिश फेल बाहर आ जाओ, मैं भग के जाऊंगा क्योंकि मैं इंग्लिश फेल हूं, किसी ने आवाज मारी जो मैथ में पास है वो बाहर आ जाओ, तो फिर से मैं भग के जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब जो एक सब्जेक्ट में फेल है वो दूसरे में पास होगा, बिल्कुल करेक्ट। आइए उसने पूछे इंग्लिश में पास, तो इंग्लिश में पास कौन होंगे, जो मैथ के फेल हैं, तो इसका मतलब मैथ में कितने फेल हैं दोस्तों 25, और 25% बराबर किसके बन जाएगा 50। मैथ में कौन पास होंगे, केवल मैथ में, जो इंग्लिश में फेल हैं, और इंग्लिश में कितने फेल हैं दोस्तों 35, तो 35% बराबर बनेगा हमारा किसके 70, ठीक है, क्लियर है सभी को। आइए बस इसको ऐसे रख लेना, अगर ना भी समझ पा रहे हो कि जो फेल है उनके अपोजिट एक दूसरे के पास, मैथ के फेल इंग्लिश में पास, इंग्लिश के फेल मैथ में पास, ठीक है। आइए फेल इन सिंगल सब्जेक्ट, अब दोस्तों इस सिंगल से मतलब क्या समझ रहे हो, हाँ वो नहीं जो तुम हो स्टेटस लगा रखते हो आई एम सिंगल, चल घूम रहे हो चार चार के साथ में, हाँ इसका मतलब वो सिंगल नहीं है, ध्यान रखो इस चीज को। इस सिंगल का मतलब क्या है, केवल एक सब्जेक्ट, यानी कि वो छात्र जो एक एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, हाँ आ जाओ। अब एक बात बताओ 25 ये हैं जो एक एक सब्जेक्ट, वो कोई सा भी हो सकता है, मैथ हो या इंग्लिश हो, तो 25 मैथ में फेल भाई, और 35 इंग्लिश में फेल, तो 25 35, बोलो कितने 60, तो इसका मतलब फेल कितने हुए 60, और 60 बराबर किसके दोस्तों 120,
क्योंकि 1% बराबर 2 के, तो 60 बराबर 120 के। अब पास्ट इन सिंगल सब्जेक्ट, वो भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्यों दिमाग घुमा रहे हो भाई? पास चाहिए, तो ये वाले जो 25 फेल हैं ये इंग्लिश में पास होंगे, और ये जो इंग्लिश के फेल है ये मैथ के पास होंगे, हमें तो जोड़ना ही है, तब भी कितना होगा 60। देन 60 बराबर बोलूं तो मेरे भाई किसके बराबर बताओगे 60 को भी आप? 100। क्लियर है यहां तक सभी को? उम्मीद है बहुत अच्छे समझ आया होगा। तो क्वेश्चन को हल करने का जो पॉइंट है वो ये है कि संख्याओं में क्या वैल्यू, ठीक है? चलो कॉपी करिए इसको, 10 सेकंड में रफ करता हूँ, उतारिएगा। लास्ट में एक और तरीका भी बताऊंगा, पर उसको बाद की बात है। आइए चलेगा दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, बहुत अच्छा सवाल है। 70% इंग्लिश में, 50%, 70%, और ये फेल नहीं है, ये पास। आइएगा, सवाल क्या कह रहा है ध्यान से समझना। 50% विद्यार्थी मैथ में और 70% इंग्लिश में पास हुए, जबकि 30% दोनों विषयों में पास हुए हैं और 200 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो टोटल। अब एक बात देखो, परसेंटेज में मुझे टोटल पास निकालना है, फेल किससे पता लगता है? इस कोर्स के 200 विद्यार्थी क्या हैं? फेल। तो मुझे परसेंट भी किसका चाहिए? फेल का। अब बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, बहुत प्यार से और बहुत सिंपल तरीके से। आइए, अगर मैं मैथ की बात करूं तो कितने पास हुए? 50%, और इंग्लिश की बात करूं तो कितने हैं दोस्तों? 70%, और दोनों की बात करूं तो बताइए केवल वाले कैसे निकाल लें? इन 50 में 30 निकम्मे भी शामिल हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, निकम्मे हटा दूं तो बेचारे कितने बच गए? 20। इस तरीके से समझो, और पास है तो पास ही चाहिए। 70 में से 30 निकम्मे हैं, तो 40 कौन बचे? किस्मत के मारे, हालात के विचार, है ना? क्लियर है सभी को? अब अगर मैं देखूं क्लास का जो टोटल पास है 40, 30, 70 और 20, 90, क्लास का 90% बच्चा पास है, तो मेरे भाई बाकी 10% का क्या हुआ? फेल हो गया। कितना फेल हो गया? 10%। परसेंट में 10% फेल है और संख्याओं में 200, तो 10% बराबर 200 के है, 0 से 0 काटूंगा तो 1% बराबर किसके? 20 के। हमें टोटल निकालना है, टोटल यानी कि 100%, तो अगर 100% की वैल्यू चाहिए तो 20 गुना 100 करोगे, देन कितना आएगा दोस्तों? 2000। यानी कि मेरी कितने विद्यार्थी हैं? 2000 क्लास। क्लियर है सभी को? समझ आया? तो देखो, इसको हमें कुछ नहीं करना, इनमें से इसको घटाओ ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओ ये आ जाएगा, ठीक है? आ जाइए, उस सारे सब्जेक्ट्स के भी आंसर्स कर सकते हैं आराम से। पास की जानकारी है तो पहले पास वाले ही कर लेते हैं। बस इसको याद रखोगे, 1% बराबर किसके है? 20 के। यानी कि जितना भी परसेंट होगा उसमें 20 से गुणा कर देंगे। आ जाइए, पहले चलो फेल की बात कर लेते हैं। फेल ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश के फेल बताओ भाई कौन से? जो मैथ में पास है, यानी कि 20। तो इसका मतलब 20% गुना 20 बराबर किसके? 400। केवल मैथ के फेल, मैथ में फेल कौन होगा? जो इंग्लिश पास है, यानी कि 40। तो 40% गुना 20 यानी कि दोस्तों कितना? 800।
क्लास इन इंग्लिश तो बहुत अच्छा है, मेरा 40, 40 गुना 20 करोगे देन कितना आ जाएगा दोस्तों, 800। मैथ में पास कितने हैं, 20, तो 20 गुना 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 400। सिंगल सब्जेक्ट में फेल, सिंगल में फेल कौन कौन से, एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो 40 और 20 60 ही, तो इसका मतलब 60 × 20 बराबर कितना, 1200। और ये वाले भी कितने होते हैं, 1200 ही होते। क्लियर है सभी को, समझ आया होगा स्ट्रक्चर, कोई डाउट तो नहीं है। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना इसमें जो समझने वाली बात है, देखो ये वाली वैल्यू आपस में चेंज हो सकती है, जैसे इंग्लिश में अगर 70 फेल है या 70 पास है तो 30 फेल होगा, 50 पास है तो 50 ही फेल होगा, बट यहां कौन सी वैल्यू यूज होती है ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। दोनों की इंफॉर्मेशन जिस चीज की दी गई हो, यानी कि अगर दोनों का परसेंटेज पास का दिया गया है तो हम पास लेंगे, और दोनों का सब्जेक्ट फेल का है तो हम फेल लेंगे। क्लियर है, इन दोनों के कारण हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए एक सवाल वही लिखूंगा ताकि आपको चीजें उसमें अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, गलती से भी इग्नोर मत कर देना। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं थोड़ा सा पलट के, आप समझ जाइएगा। दोस्तों आयो वो कह रहा है मैथ में 70% और इंग्लिश में 60% बच्चे पास हुए हैं, जबकि दोनों विषयों में 20% फेल हुए हैं। देखो दोनों वाली जो हमें जानकारी दे रखी है वो किस चीज की दे रखी है दोस्तों, फेल की दे रखी है। ठीक है, तो दोनों विषयों में 20%। ठीक है, और साथ साथ बता रखा है कि 2500 विद्यार्थी पास हुए हैं तो टोटल। अब एक बात बताओ, जब ये संख्याओं में टोटल पास दे रखे हैं तो यहां से हमें टोटल पास की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो टोटल पास की तरफ बढ़ते हैं आगे, किस तरीके से निकाल पाएंगे आइएगा। आ जाओ वही वेन डायग्राम बनाते हैं, मैं मैथ में 70% पास हुआ है, ठीक है, और इंग्लिश में 60% पास हुआ है, इसको पीछे शो कर देते हैं, बट 20% दोनों विषयों में क्या हुआ है, फेल। तो याद रखना जब ये दोनों का फेल का दे रखा है तो हमें ये वाला डाटा भी फेल का ही चाहिए, कभी भी इसको चेंज मत कर लेना, इसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों को चेंज कर सकते। ठीक है, आइएगा 60 पास है तो फेल कितना रहा होगा, 40%। 70 पास है तो फेल कितना रहा होगा, 30%। ठीक है, फेल कितना रहा होगा, 30%। अब एक बात बताओ, अब क्वेश्चन हमारा वही बन गया, मैथ में अगर मैं फेल देखना चाहूं तो कितने आ रहे हैं, मैथ के फेल 30%, 30 में से 20 निकम्मे, तो बेचारे कितने बचे, 10%। इंग्लिश में कितने फेल आ रहे हैं, 40, 40 में से 20 निकम्मे,
तो इंग्लिश में कितने बच गए दोस्तों, 20%। क्लियर है? पूरी क्लास का अगर मैं देखना चाहूं कितना बच्चा फेल हो गया, यानी कि टोटल फेल 20 और 20 40 और 10, तो पूरी क्लास का 50% बच्चा फेल हो गया। तो बताओ दोस्तों टोटल पास कितना हुआ पूरी क्लास का? सिंपल सी बात है, 50% ही पास हुआ है। और ये 50% किसके बराबर है? 2500। ठीक है, जब 50 बराबर 2500 के है तो उसने टोटल पूछा है, तो टोटल 100 बराबर किसके हो जाएगा? 5000 के। ज्यादा कैलकुलेशन करने के चक्कर में पड़ो ही मत। क्लियर है सभी को? कर पाओगे यहां से? कोई डाउट कैसा भी कुछ भी? चलिए, तो उम्मीद है अब ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन में और डायरेक्ट भी कराऊंगा। डायरेक्ट कराने की वजह क्या है, ताकि अगर पेपर में सवाल आए तो हो सकता है कि आप विदाउट वेन डायग्राम के भी आगे बढ़ पाए। ठीक है, बिना वेन डायग्राम के भी हम आगे बढ़ सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, आइए चाहोगे तो मैं इसी को करा दूंगा। देखो दो, जब हम सवाल हल करते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि जो वैल्यू संख्याओं में दी गई है उसका परसेंट वैल्यू पता हो। जो वैल्यू संख्याओं में दी गई है उसका परसेंट वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, या चलो डिजिट चेंज करके ही करा देता हूं आपको एक सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीस परसेंट सेवेंटी थ्री परसेंट चलिए पहले परसेंट में बनाते हैं, फिर वहां से यार कर सकते हैं आराम से इसको। आइए पहले वही वेन डायग्राम बना रहा हूं, फिर डायरेक्ट बताऊंगा इस सवाल को। ठीक है, अगर वेन डायग्राम से भी करोगे तो जो वो भी टाइम टेकिंग नहीं है, पर फिर भी और भी डायरेक्ट देख लो ताकि हमें पेन चलाना ही ना पड़े। 85 मैथ में और 80 इंग्लिश में और 73 दोनों क्या है? पास। तो 85 में से 73 गया, बोलो कितना बचा? 12 है। 80 में से 73 गया, कितना बचा? 7। अब अगर आप देखोगे तो टोटल जो पास हुआ है वो कितना है? 92, यानी कि 92। टोटल पास 92 है तो टोटल फेल कितना होगा? 8%, क्योंकि दोनों मिलाकर क्या होते हैं? 100। अब मान लो वो ये कह देता कि 160 विद्यार्थी हैं पास, तो टोटल बताइए, सॉरी पास नहीं फेल, तो टोटल बताइए। तो इस तरीके से आराम से आप बता सकते थे, कर सकते थे। आओ दो, इसी चीज को मैं आपको डायरेक्ट निकालने सिखाता हूं कि हम डायरेक्ट इस चीज को किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं लिखना चाहूं मैथ और इंग्लिश, मैथ में 85, इंग्लिश में 80, मैथ में 85, इंग्लिश में 80 और दोनों में 3, लिखना तीनों की एक यूनिट, बस इतना करो इन दोनों का अंतर इधर, इन दोनों का अंतर इधर, इन दोनों का अंतर कितना है? 12 है, और इन दोनों का अंतर कितना है? 7। जोड़ दो, ये कितना आ गया? 80 12 92। अगर ये परसेंट पास का है तो पास आ जाएगा, और फेल का है तो फेल आएगा। 92 अगर पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 8%, हम डायरेक्ट निकाल सकते। चाहो इन दोनों को जोड़ दो, 85 7 भी कितना आएगा? 92। 92 फेल हुए हैं तो पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 8%। यानी कि
जो परसेंटेज आपको निकालना पड़ता है सवाल हल करने के लिए, उसको आप इस तरीके से बहुत डायरेक्टली निकाल सकते। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? बोलो, डाउट तो नहीं है बिल्कुल भी? कर पाओगे आराम से? चलिए दोस्तों, चाहो आप ये वाला पैटर्न भी यूज कर सकते हो। इसी पे एक बदल के क्वेश्चन आया था तो उसको भी डिस्कस करते हैं। समझ, आइएगा दोस्त। लिखते हैं एक सवाल, इन ए स्कूल 80% स्टाफ टेक टी एंड 40% कॉफी। एवरी स्टाफ must take, every staff must take tea or coffee and 40 staff take both. देखो दोस्तों, हिंदी में पढ़ देता हूं। वो कह रहा है एक स्कूल में 80% स्टाफ चाय पीता है और 40% कॉफी पीता है। यदि प्रत्येक स्टाफ चाय या कॉफी अवश्य पीता हो और 400 स्टाफ दोनों चीजें पीते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टाफ बताओ। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझना। अगर मान लो स्कूल में कंडीशन ये हो कि भाई या तो चाय ले लो या कॉफी ले लो, तो चाय और कॉफी पीने वाले दोनों मिलाकर 100 होंगे। भाई या तो चाय पियो या कॉफी। अगर मैं आपसे बोलूं कि 60% चाय पीते हैं तो इसका मतलब 40% क्या पियेंगे? कॉफी पियेंगे। ये बात आप भली बात ही जानते हैं। 60% अगर चाय पीते हैं तो 40% क्या मिलेंगे, क्योंकि दोनों मिलाकर क्या है? 100 है। अगर इससे ना समझ आए तो एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है? क्योंकि उस एग्जाम्पल तुम्हारे पर्सनल अनुभव से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा। तुमने कई बार देखे होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिगरेट पीते हैं। पीते नहीं पीते? बोलो। अगर उन्हें कोई बीड़ी वगैरह ऑफर करेगा, मैंने कर देने यार इतना स्टैंडर्ड नहीं गिरा भी हमारा, है सिगरेट पीने वाले, थोड़ा वो रेपुटेशन है क्या? कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मेरे भाई बीड़ी में ही मजा आता है, नहीं? फाइनेंशियली समझ लिया, कैसे भी समझ लो, इस लॉकडाउन में तो बड़ी आफत हुई है लोगों की, नहीं? बीड़ी भी सिगरेट के रेट में बिकी हुई है। तो अब बीड़ी वाले को कोई सिगरेट देगा तो इसका अगर इंटरेस्ट नहीं, मना कर देगा, नहीं नहीं यार मैं बीड़ी में बढ़िया चल रहा, अपना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और कुछ हमारे तुम्हारे जो ऐसे भी होते हैं, कैसे? सिगरेट वालों के बैठे सिगरेट लगा ली, बीड़ी वालों के साथ बैठे तो बीड़ी लगा ली, है? तो हमारी तो काउंटिंग किस में होगी? दोनों में होगी या नहीं होगी? बोलो, दोनों में होगी या नहीं होगी? वही चीज यहां पर दर्शाई गई है। अब एक बात देखना, अगर मैं सिर्फ चाय वालों को देखना चाहूं कितने 80 और कॉफी वाले देखना चाहूं कितने हैं 40, एक बात नोटिस करना, इस 80 में पता है कौन है? इस 80 में वो है जो चाय पीते हैं, केवल चाय पीने वाले भी से जो सिर्फ चाय के एडिक्टेड हैं, केवल चाय पीते हैं, और वो भी हैं जो चाय और कॉफी
दोनों, या इस तरीके समझ लो घर में तो चाय, शादी में गए तो कॉफी ना। वो ऐसे जो शादियों में कॉफी का इंटरेस्ट लेके पीते रहते हैं और घर में पूरी साल से साल तक चाय पीते हैं, गर्मी भी हो रही होगी जब भी भूख मार मार के हैं, और शादी में जाएंगे तो बड़े स्टाइल में क्या सिर्फ कॉफी, यू नो दैट आई लाइक ओनली द ब्लैक कॉफी स्टाइल में। अब देखो ये 40 ऐसे हैं कॉफी पीने वाले, इसमें कॉफी वाले भी शामिल हैं जो केवल कॉफी पीते हैं और जो दोनों पीते हैं वो भी, यानी कि दोनों वाले दोनों तरफ हैं। अगर वो पता लग जाए तो क्वेश्चन हल हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 120। मैंने बताया था हर चीज 100 होती है, पर 100 से कितना ज्यादा है 20, 100 से कितना ज्यादा है 20, तो इसका मतलब ये 20% कौन है जो दोनों चीजों को, जैसे वहां था टोटल 3 थे क्लास स्टूडेंट स्टार्टिंग में, बट दो दो फेल हुए तो फेल होकर टोटल 4 आ रहे थे, 3 से एक ज्यादा आ रहा था, वो ज्यादा जो आता वो कौन था जो दोनों में शामिल था, तो जोड़ कर ये 100 से जितना भी ज्यादा आएगा वो कौन होगा दोनों। अब बात आ गई हमें ये क्यों निकालना पड़ा, तो ये मेरे भाई इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि संख्याओं में बता रखा था कि कितना स्टाफ दोनों चीजें पीता है, संख्याओं में कितना है 400 और मेरे परसेंटेज में कितना है 20, तो इसका मतलब 20 किसके बराबर है 400 के, तो 1 बराबर कितना है 20 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 20 ही आएगा। अब 1 बराबर 20 के तो 100 बराबर मेरे भाई किसके हो जाएगा, यानी कि 2000 के, 100 से गुना कर देंगे तो इसका मतलब उस विद्यालय में कितना स्टाफ है 2। क्लियर है? देखो इसमें सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कंफ्यूज मत होना कि यार ये की क्वेश्चन बन सकता, नहीं, एग्जाम में बेशक आज तक ये क्वेश्चन आया है पर क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी मैं चेंज करके एक क्वेश्चन बनाता हूं, देखो दोस्तों वो कह रहा 70% स्टाफ चाय पीता है, 40% कॉफी पीता है, प्रत्येक स्टाफ चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है और 50 स्टाफ ऐसा है जो दोनों चीजें पीता है, तो केवल केवल कॉफी पीने वाला स्टाफ ज्ञात कीजिए, केवल कॉफी वाला। तो पहले टोटल पता कर लो, टी वाले कितने हैं 70, कॉफी वाले कितने हैं 40, 70 40 110, कितना ज्यादा है 10, तो इसका मतलब 10% कौन है जो दोनों चीजें पीते हैं। अब देखो जब 10% वो हैं जो दोनों चीजें पीते हैं, तो एक बात बताना, ये 10% इसमें भी होगा और ये 10 इसमें भी होगा या नहीं होगा, चाहो वेन डायग्राम से निकाल लो आगे, हालांकि जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ 10% दोनों वाले आ गए तो टी वाले कितने बच गए 60, 70 में से 10 जाएगा 60, और कॉफी वाले कितने बच गए केवल कॉफी वाले। तो अब अगर 10% बराबर 50 के है तो 1% बराबर 0 से 0 को काटोगे कितना आएगा 5 के, 1 बराबर 5 के केवल कॉफी पीने वाले चाहिए थे कितने दोस्तों 30 केवल कॉफी वाले, तो अगर वो 30 हैं तो 30% बराबर किसके आ जाएगा बोलो 150 से। ये हमारा, यानी कि देखो जितने भी क्वेश्चंस हमने यहां डिस्कस करे थे यहां पर, वो सब क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, केवल कॉफी वाले पूछ लिए, केवल चाय वाले भी पूछ सकता है, ठीक है, केवल क्या पूछ सकता है चाय वाले भी, तो कितने होंगे 60। गलती ये मत कर देना कि कॉफी वाले पूछे तो 40, क्योंकि 40 में कौन कौन शामिल है बोलो, दोनों वाले भी और केवल एक वाले भी। इस 70 में कौन कौन शामिल है, दोनों वाली भी और केवल एक वाली भी, अगर दोनों इसमें से हटा दूं तो ये बचेगा दोस्तों 30 और ये बचेगा 60।
तो उम्मीद है यहां तक की क्लास सबको समझ आ रही होगी, क्लियर है यहां तक, कर पाओगे भी आराम से, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट तो नहीं है। चलिए इसको कॉपी करिएगा और फिर यहां से आगे बढ़ते हैं हम कंटिन्यू करते हुए। चलने दो, चलेगा दोस्त। बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, या एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड भी आया हुआ है तो एक वो भी करा देता हूं, तो एक आप वो भी कर लीजिएगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं, 70% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड 90% इन मैथ, 90% इन मैथ एंड 200 इन बोथ। If none of fail in both subjects, none of fail in both subjects, find total। आपको total बताना है, ठीक है, बहुत स्पीड से करना है आपको, बहुत फास्टली, बहुत स्पीड से और बहुत फास्ट, 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। और देखो लिखने की जरूरत नहीं है, जितना लिखोगे भाई नुकसान में जाओगे, ठीक है। स्लोगन मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, उससे पहले बताया था, या मैं टी शर्ट बनवा लेता हूं उस पर लिख दूंगा, मिनिमम राइटिंग मैक्सिमम स्पीड, जितनी कम से कम राइटिंग होगी उतनी ज्यादा से ज्यादा आपकी स्पीड आएगी, ठीक है। और खासकर इन फेल होने से बचना है तो ध्यान रखना, क्योंकि देखो फेल होने की थोड़ी अलग हो, मैं कहानी याद आ गई अपनी, फेल होने की थोड़ी सी वो होता है ना कि किस्मत खराब हो। एक किस्सा सुनाता हूं तुम्हें, समझना ध्यान से। एक बार क्या हुआ कि 10th क्लास के एग्जाम थे, अब पहले क्या था, बच्चा जो एग्जाम होता था रात को उसकी पर्ची वर्ची बनाते थे ना। हाँ अच्छा, मैंने बाद में देखा जब मैं ग्रेजुएशन में आ गया कॉलेज में, तो जब मैंने चेक देखा तो जो पहले हमारे टाइम पे बच्चे पर्ची बनाते थे रात को बैठ के, वो भी मॉडरेट हो गया। किसमें हो गया, अब बच्चे जीरोक्स निकलवाने लग गए, मतलब उतनी मेहनत भी नहीं करनी है, सीधे जाओ पेज रखो जीरोक्स निकलवाओ छोटे रूप में और वो लेकर जाओ। अब क्या हुआ कि जब आदमी देखता था भाई जिस चीज का पेपर है तो अपना पर्ची बना लेता था। अब मैंने दवा की पर्ची बना ली, SST का पेपर था, SST के पेपर की मैंने दवा के अपना पर्ची बना ली और रख के ले गया बहुत सारी पर्ची। अब तुमने देखा होगा जिसके पास पर्ची रहती ना, वो पेपर खोलते ही, जिन उनका ये काम करे होंगे उन्होंने याद भी आ रहा होगा, पेपर खोलते सबसे पहले एक चीज करता है क्या, ये नकल में से कौन कौन से सवाल फंस गए, है ना, कि कौन कौन से फंसे और कौन कौन से नहीं फंसे, क्योंकि वो उसी आधार पे फिर आगे प्रोग्रेस करता है। फंस गए तो अच्छी बात है, नहीं फंसे तो उससे भी अच्छी बात है फिर तो उसके लिए, है ना। अब मैंने देखा यार मैंने पेपर पढ़ा जल्दी जल्दी, देखा नहीं फंसा नहीं फंसा, पेपर के सारे पर्चे पलट दिए, एक भी सवाल नहीं फंसा, एक सिंगल भी। मन का यार ले हो गया ना, पूरी रात लालटेन में बैठ के पर्ची बनाई और उस समय से भी क्वेश्चन ना फंसा, है तो दुख तो होएगा नहीं होएगा, क्या आज का तो पेपर खराब हो गया। अब मैं बैठा रहा, फिर मैंने फ्रंट पेज अपना देखा, थोड़ी लैंग्वेज सी अजीब, मन क्या रहा SST का पेपर था और पर्ची भी बनाई, मेहनत भी करी, पेपर नहीं फंसा। स्टार्टिंग में देखा पेपर हिंदी का था, जो पेपर आया वो हिंदी का था, नकल पहुंच गई किसकी, SST। मैंने कहा भाई जिसकी किस्मत खराब हो ना फेल होने की, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। वहां से समझ आया मेरे को कि एक्चुअल में पढ़ लेना चाहिए, है ना, नकल वकल के भरोसे ना रहो। जब से मैंने नकल बनानी भाई छोड़ दी, मन कहा यार अपनी तो किस्मत खराब है, नकल आओ तो उम्मीद हो गया होगा, देखो चेक करो। हाँ समझ रहे हो ना मैं कितना बड़ा बेवकूफ था,
एसएसटी की नकल ले गया और पेपर था हिंदी का, मतलब इतनी जल्दी है कि ढंग से ये नहीं देखा कल पेपर किस चीज का डेट शीट। गांव में तो स्कीम बोलते थे स्कीम में। देखो 70% यहां 90 वहां, 70-90 बोलो, 70 और 90 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 160, 70-90 160 आएगा, क्लियर है। चलिए 70-90 जब 160 है 100 से कितना ज्यादा है 60, तो इसका मतलब ये 60% किसके बराबर होंगे जो दोनों में है, 60 बराबर इसके है वैसे कितना है टोटल 200, तो 1% की वैल्यू नहीं भी कट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200/60 × 100 कटेगा नहीं है, पॉइंटों में जाएगा उसकी जरूरत, या फिर डिजिट चेंज कर लो वहां से कट जाएगा, 60 है इसको 300 कर लो, 300 पे हल हो जाएगा, इसको अगर मैं 300 लिख दूं तो 60 से काटोगे कितना आएगा 5, और 5 की 900 में होगी तो कितना हो जाएगा 500। तो क्लियर है दोस्तों, यहां तक का ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब मैं अगला कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर इसी में करूंगा तो ना तो इधर हो पाएगा ना उधर हो पाएगा, तो अगली क्लास में यहां से आगे चलते हैं, ठीक है। टेक केयर, मेहनत करते रहो और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो, ऐप को। अच्छा हाँ, एक चीज और आ गई, जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है और उन्हें क्लासेज में दिक्कत आ रही है, तो देखो सबसे पहले आपको कोर्स में जाना है, कोर्स में आपका बैच आएगा एसएससी फाउंडेशन। फाउंडेशन इसलिए लिखा था कि हम सारी चीजें इसमें कवर कर पाए, ठीक है। एसएससी फाउंडेशन बैच होगा, और जैसे ही आप इस पर जब क्लिक करोगे एसएससी फाउंडेशन बैच के ऊपर, तो सारे टीचर्स का आ जाएगा इस तरीके से लिखा हुआ कि मैथ बाई फला फला फला, रीजनिंग बाई फला फला। अच्छा, इसमें आपको सारी वीडियोज मिलेंगी, अगर मान लो क्लास छूट भी गई है तो पुरानी क्लास भी आप देख सकते हो, इसमें आएगी चैप्टर वाइज, जैसे परसेंटेज क्लास 1, परसेंटेज क्लास 2, परसेंटेज क्लास 3, इस तरीके से, ठीक है। वैसे रीजनिंग है तो टॉपिक वाइज, अगर एक ही टॉपिक की एक से ज्यादा क्लासेज हुई है, जैसे मान लो क्लोज टेस्ट है या सॉरी विन डायग्राम है, तो विन डायग्राम क्लास 1, विन डायग्राम क्लास 2, तो यहां से आप इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बाय बाय, टेक केयर।